आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। मिर्जापुर की पिंकी ओआ को ऑस्कर अवार्ड विजेता 2009 बनने पर जुला ही नहीं प्रदेश के विश्व पटल पर सुर्खियां बटोर चुका है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी के चलते पिंकी के गांव में मजमा लगा था। अब उन्हीं के मकान को गिराने के लिए वन विभाग ने नोटिस जारी किया है। सरकारी खर्च में बने इंदिरा आवास को वन विभाग की जमीन पर बना हुआ बताया जा रहा है। पिंकी के पिता समेत 28 लोगों को नोटिस दिए जाने से हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व और वन विभाग को निर्देशित किया गया कि उनके साथ में कोई अन्याय नहीं होगा। पिंकी ने कहा कि जब मकान गिरना ही था तो बना ही क्यों। मिर्जापुर जनपद के अरौरा थाना क्षेत्र के रामपुर डबही अचानक रातों रात उस वक्त सुर्खियों में आ गया था जब यहां की रहने वाली पिंकी कुबर बनी लघु फिल्म स्माइल पिंकी को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। उसे दौरान पिंकी को रहने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा एक मकान भी बनवाया गया था। एक दशक बीत जाने के बाद अब पिंकी समेत कर 28 लोगों को वन विभाग के द्वारा वन विभाग की जमीन पर बनाए गए मकान को हटाने को नोटिस पकड़ा दिया है, जिससे कि यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग 50 से 70 वर्ष से यहाँ मकान बनाकर रह रहे हैं। पिंकी इस्माइल का मम्मी है, हमारे नाम से मिला देवी है। किकर नोटिस आई बा? घरे का नोटिस आ रही है कि जंगल विभाग वाले डीएम एसडीएम सब कोई आकर घर बनवाउले आत्मन नोटिस आल है तोड़े बदे। तब एक बार बसा कर उजार थन तो ना ही ठीक बा। हमन के ये है कि जैसे बसौलन वैसे मन के रहे दे, मन के उजारा मत। जितना दूर में हमन है जाओ कर आके हमन के नाप जोक के पट्टा कर दे। इस्माइल पिंकी जब ऑस्कर जीती थी तब पर भी तो कोई जिला प्रशासन मदद की होगी? सब कोई माला कहता नहीं, डीएम एसडीएम जंगल विभाग और जने आइलन अमेरिका से जब घर अलन तब बनल। अब ये बखत तोड़त बायन तो वह कहाल कि तोड़ा मत, मन के बसा ले जा, मन के बसे दा। उस समय ये सब घर आप के बनवा रहा? उस समय डीएम बनवा ले रहा। अब मेरा नाम सत्यनारायण पाल है। कौन सा नोटिस आया है, किसके किसके घर के लिए आया है नोटिस? हम लोग अपने इसरामपुर ढबई में एक जो पिंकी इस्माइल ऑस्कर अवार्ड विजेता है इसके पिताजी से लेकर के हमें 28 लोगों को नोटिस मिला है। जितने लोग हम लोग बसे हैं, क्योंकि मेन जो दिक्कत तकलीफें आज हो रही है कि हम लोग आज से नहीं, आज यहाँ कम से कम 70 वर्षों से यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं इस मौके जमीन की 70 वर्षों के लिए। फिर भी बीच में अगर ये वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आप लोग जंगल में बसे हो तो हम कैसे मान लें, कैसे घर जाए। उतने दिन पूरे लोगों का ये मकान आवास मिला और बनवाया गया, पूरे अधिकारी जिले से लेकर पूरे अधिकारी यहाँ उपस्थित थे कि क्यों बनाया गया, हमको अंधकार में क्यों रखा गया। अगर नहीं, अगर वन विभाग का था तो बने नहीं देते ये लोग। अब क्या कहा गया नोटिस में? इस्माइल पिंकी, मैं पिंकी बताओ कौन सा नोटिस आपके घर पर आया है, क्या दिक्कत हो रही है? जंगल महल वालों ने नोटिस दिया है, और जब मैं अमेरिका गई थी ऑस्कर अवार्ड लेने तो फिर मेरे आने से पहले यहाँ पे घर बन रहा, तो डीएम एसडीएम पुलिस दरोगा जितने भी जिलाधिकारी थे सभी लोग ने आया, तो किसी ने नहीं मना किया कि हाँ मत बनाओ जंगल विभाग है, किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। और फिर अब क्या है कि वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये जंगल महल है, इसको गिराया जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि किसी का ऐसा ना करे, मतलब किसी का घर द्वार ना गिराए। बात मेरे संज्ञान में आई है और इसमें हमने राजस्व विभाग की टीम भेजकर संयुक्त पैमाइश कराकर जो भी ये समस्या है उसका तर्कसंगत और न्यायपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होगा। बहुत परेशान है ग्रामीण और स्माइल पिंकी के घर वाले भी कर रहे हैं, गरीब में कहाँ जाएंगे। नहीं, इसमें वन विभाग को निर्देशित भी कर दिया गया है, राजस्व टीम को भी निर्देशित कर दिया गया है। दोनों टीमें आज ही कार्य वहाँ स्थल पर जाकर और आवश्यक जो भी पैमाइश है वो कर समस्या का समाधान करें। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।